रास्ते से हो। कितना खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। मैं बताऊंगा क्या, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखो वाटर स्ट्रीम। स्वागत है सभी को बंगाल पर, और मैं अभी हूँ नॉर्थ बंगाल के, जिसका नाम है सिलीगुड़ी। और मैं पहुँच चुका अभी सिलीगुड़ी का एक बंगाल सफारी पे। तो मैं आज बंगाल सफारी तो जाऊँगा नहीं, बट आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो वेलकम टू ऑल टू द बंगाल सफारी। तो स्वागत है भाई सभी को नॉर्थ बंगाल का, जिसका नाम सिलीगुड़ी। अभी मैं जाने वाला हूँ डुआर्स पे। तो डुआर्स का जितना भी व्यूज़ है मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अब मजे कीजिए डुआर्स। और आपका जो आज ब्लॉग चल रहा है, मैं आपको बता दूँ, ये सिलीगुड़ी सीरीज़ है, यानी कि डुआर्स सीरीज़ है। अभी डुआर्स का 3-4 सीरीज़ शुरू हो चुका है, पता नहीं कौन सा सीरीज़ में आएगा ये वीडियो। बट मैं आप लोग को बता दूँ, अभी मैं पहुँचा हूँ बंगाल सफारी में। अगर आप सिलीगुड़ी आते हो या फिर डुआर्स आते हो तो बंगाल सफारी विजिट करने के लिए मत भूलिएगा जरूर भी। सो अभी मैं सेबक होकर के जा रहा हूँ, वहाँ का सारा फुटेज मैं आप लोग को दिखाऊँगा। ओके, सो कीप इन वॉच। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे ही कहा जाता है, बट फॉरेस्ट के अंदर से गुजरा, इसके लिए ये थोड़ा सा रोड है। और यही रोड आपको ले जाएगा गैंगटॉक। गैंगटॉक ना पहिए से भूस पहुँच सकते हैं, गैंगटॉक मतलब सिक्किम तक अपन यहाँ से पहुँच जाएंगे। यहाँ पे कुछ भारतीय जवान लोग खड़ा हुआ है। मैं ना इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वीडियो करके बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बताने का मेरे पास इतना मेमोरी बचा नहीं है, मुझे दूसरे जगह भी कवरेज करना है। बट ये रोड में ना आपको हाथी वगैरह आपको मिल सकता है, और यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है। ये जो फॉरेस्ट आता है, ये कौन सा फॉरेस्ट है मैं बता नहीं सकता, बट सेबक के अंदर में आता है, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी के अंदर में आता है, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के अंदर में आता है। सो बस इतना ही जानकारी भाई, आगे मैं आपको और भी मज़ेदार व्यू दिखाऊँगा। वीडियो को स्किप करना तो कर सकते हो, बट छोड़ के मत जाओ, मज़ा आएगा। यहाँ पे देखो मुझे थोड़ा थोड़ा ठंडक लगने लगा है, और रोड भी इतना खूबसूरत है ना, बड़े का मजे का खूबसूरत है। बट रात में थोड़ा रिस्की हो जाता है यहाँ पे ड्राइव करने के लिए, क्योंकि अंधेरा छाया रहता है, कोई आदमी नहीं रहता है। कभी कभार ये देखो ऐसा भी आ जाता है। सो सीधा मिलते हैं सेबक पे और दिखाते हैं आपको यहाँ का मजे। फॉरेस्ट अभी डीप से डीप होते जा रहा है। ये फॉरेस्ट जब हम पहुँचेंगे सेबक, तभी ये फॉरेस्ट थोड़ा डिप कम हो जाएगा। आप लोगों को सभी को मेजेस्टिक माउंटेन में आप लोग को वेलकम है। अभी आप लोग को शायद दिखा दे रहा होगा कि माउंटेन यहाँ से धीरे धीरे नज़र आ रहा है, मेरा आंखों से नज़र आ रहा है, बट कैमरा का आँख से देखेंगे तो नज़र आ रहा है कि पता नहीं। बट मैं अभी पहुँच चुका हूँ यहाँ का, मतलब सेबक, जहाँ मेंस में सेबक पहुँच चुका हूँ, ठीक है। तो अभी पहाड़ देख लो यार, यहाँ से जो व्यूज़ आता है, ओ माय गॉड। यहाँ पे काफ़ी सारा छोटा छोटा दुकान आ गया। यहाँ पे आप आओगे तो खाना खा सकते हो, यहाँ पे मोमो मिलता है, चावल मिलता है, रोटी मिलता है, सब कुछ मिलता है, अवेलेबल है। अभी शायद अच्छा अच्छा आजकल रेस्टोरेंट भी बन गया। बट ये पहाड़ देख, और मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप अगर आप पर जा रहे हो तो यहाँ से भरवा लो, नहीं तो आपको बहुत दूर में मिलेगा। अगर आप गैंगटॉक जा रहे हो तो बेटर रहेगा, ये इंडियन ऑयल का है, और आपको रोंगपो में जाकर के सीधा मिलता है उनके आगे, और नहीं मिलता है तिस्ता वैली में एक मिलता है, बस आई लव इंडियन ऑयल। चलो मुझे भरने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा निकल जाता हूँ भाई। और मेन चीज़ जो है, आगे मुझे एक रेलवे ट्रैक मिलता है, और यहाँ से ये ऐसा व्यूस आता है। यहाँ से ध्यान से यार, अभी ओवर स्पीडिंग मत करना यहाँ पे। आप यहाँ पे एक नदी, यहाँ का नदी जो है ना, ये नदी ना यहाँ का लोगों को परेशान करके छोड़ा है यार। और ये नदी जाकर के वो सेबक मतलब तीस्ता नदी में आके कनेक्ट हो जाता है, फिर तो तीस्ता नदी सुना होगा। तो मैं प्रॉपर अभी सेबक में पहुँच चुका हूँ, ये सेबक है यहाँ का, और अभी रेल लाइन लगा हुआ है। यहाँ पर स्टेशन है छोटा सा, सेबक स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और ये देखो टूरिस्ट वैन शायद गैंगटॉक के लिए निकला है, सिक्किम का ही नंबर है, आदमी रहा है अंदर में। तो हम जाके यहाँ पे थोड़ा देर अटकते हैं, पता नहीं है कौन सा ट्रेन है, शायद पैसेंजर रहेगा, अभी तो पैसेंजर का टाइम है। ये पैसेंजर जाता है यहाँ से अलीपुरद्वार तक, अलीपुरद्वार जंक्शन जो डुअर का लास्ट है असम बॉर्डर। आएंगे धीरे धीरे, चले भाई। अभी देखो यार, यहाँ पे ओवर स्पीडिंग मत करना, क्योंकि यहाँ पे वन वे है, टर्निंग में नहीं दिखता है, आपको पता ही है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो अब धीरे धीरे जान जा चुका है। यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन मिलता है, आप पुलिस का मदद ले सकते हो, ठीक है। और यही रोड आप आगे जा कर के सीधा आप चले जाएंगे गैंगटॉक, और राइट अगर जाएंगे तो आगे रोड है वहाँ तक पहुँचाएगी। आज मैं आपको वही रोड ले करके जा, आगे जो गाड़ी आ रहा है कि पता नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं कहा आपको
कि आप ध्यान से चलाओ गाड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रीम अच्छा बहता है। देखो स्ट्रीम में आप ज़्यादा गियर में लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लांच पकड़ के चला रहे हो तो गाड़ी आपका जल्दी से हीट हो जाता है गाड़ी का इंजन, तो इसीलिए दो गियर में चलाओ, धीरे धीरे जाओ, मज़े करते रहो। ओके, अकड़ा बकड़ा रोड है, बट जब आप ऊपर से देखोगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज़ पता नहीं चलता यार। और यहाँ से पूरा खाई है पता है, अब अंदर खाई में चले जा सकते हैं, बट इसलिए मैं कहूँगा आप धीरे धीरे राइड करो, यहाँ पर कोई जल्दबाजी मत करना। और काफ़ी लोग यहाँ पर विजिट करता है, आप भी अगर आ रहे हो तो आप भी विजिट कर सकते हो यहाँ पर, बट गाड़ी पार्किंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। ये देखो काफ़ी लोग ऑलरेडी आया हुआ है, आप छोटा छोटा गाड़ी पार्क कर सकते हो, आगे भी पार्क कर सकते हो। और काफ़ी खूबसूरत से पानी बह रहा है यहाँ पर, देखो पानी आते ही रोड कैसा स्लिपरी हो गया, देखा थोड़ा थोड़ा भीगते भीगते। करेंशन ब्रिज ये देखो, यहाँ से काफ़ी खूबसूरत लगता है, बट मुझे लेना है इस तरफ, मुझे पुलिस खड़ा होने के लिए देगा कि नहीं आई डोंट नो। यहाँ पे पुलिस है, अभी देख लेते हैं खड़ा होने के लिए देता है कि नहीं, शायद आई थिंक कि मुझे ना दे, बट काफ़ी लोग खड़ा हुआ है तो आई होप कि मैं भी खड़ा हो जाऊँ। ये है कॉरिनेशन ब्रिज यहाँ का, हम यहाँ से एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से दिखता है कॉरिनेशन ब्रिज, देखो काफ़ी खूबसूरत है, वाह। तो अभी पानी बहुत ही गंदा दिख रहा है, और आगे जो बना है वहाँ पे शायद कुछ बन रहा है वो, और वहाँ पे देखो फॉग, शायद आपको ये पता नहीं चलेगा यार, बहुत खूबसूरत लगता है यार, बट पानी मिट्टी से पूरा भर गया है, गंदा मिट्टी से। और मैं अगर इस तरफ जाऊँ तो डर भी लग जाता है, काफ़ी ऊँचाई से इस प्रकार से दिखता है। अभी देख लो वहाँ पे स्ट्रीम आ रहा है छोटा सा, और उस तरफ से भी स्ट्रीम आ रहा है, छोटा सा नदी के अंदर में भर गया। वही अभी जो मैं खड़ा हूँ ये कॉरिनेशन ब्रिज में, जिसे हम सेबोक के नाम से जाना जाता है, तो ये एक तीस्ता रिवर है। और आगे हम जाएंगे, अगर ये सीधा अगर जाएंगे वो रोड होकर के, तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ पर, गैंगटॉक। और अब यहाँ से अगर जाएंगे तो हम डुअर्स घुसेंगे, और यहाँ से देखो कितना खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, बट पानी थोड़ा गंदा आ रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि पहाड़ से आ रहा है, और पहाड़ अभी जो है थोड़ा सा मेल्ट मोल्ट हो के आता है, मतलब कुछ भी हो बारिश हो रहा है ना तो पानी गंदा हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत ही डीप पानी है। बट मज़े का रोड है यार, मज़े का ब्रिज है, और बानर का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम रहता है, मैं कहूँगा कि इससे बच के। सो अभी चलते हैं दोस्तों, अभी और भी दूसरा जगह दिखाना है आप लोगों को, बस ये तो देख लिया। तो यहाँ से देखो कितना खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, मैं बताऊँगा कैमरा से इतना एडजस्टमेंट नहीं है। सो अभी चलते हैं यार, बाइक खड़ा कर दिया था मैं, अभी काफ़ी देर हो गया यहाँ पे, 10-15 मिनट हो गया, अभी सीधा चलेंगे और दूसरा व्यू को बर्ज कर। झरना आ रहा है यार यहाँ से, वाह, वो देखो क्या मज़ा आ रहा है ना, सॉलिड का चीज़ है यार। चलो मेरे पास जितना तो MB नहीं है, फिर मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखो वाटर स्ट्रीम, वाह क्या नज़ारा है यार हम लोग का मंगल, ये यहाँ पे छोटा सा स्ट्रीम और गंदा जगह है, ओह स्केटिंग हो जाएगा यार, कहाँ से मिट्टी आ रहा है। खड़ा होने के लिए प्लेस बनाया गया है, देख लेता हूँ अब यहाँ से नज़ारा कैसे आता है। लेट्स सी, कोई भाई साहब यहाँ से फ़ोटो ले रहा है तो देखेंगे, बट यहाँ से खूबसूरत सा नज़र आता है कि नहीं। हाँ यहाँ से तो अच्छा कॉरिनेशन ब्रिज जो है काफ़ी अच्छा व्यूज़ आता है, यहाँ से दिखा दे रहा है, बट जंगल से भर गया है, अगर काटेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, पहले ये सब दिखाई देता था, बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दब चुका है यार। मैं अभी पहाड़ी एरिया क्रॉस कर चुका हूँ लगभग, और थोड़ा सा है, और इनके बाद में काफ़ी ज़रा चाय बागान आपको मिलेगा, टी स्टेट आपको मिलने वाला है, और उसके आगे ये जो एरिया है ये कालिम्पोंग के अंदर में पड़ता है, आपको कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का पुलिस स्टेशन आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। सो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बस ये क्रॉस करते ही आपको मिलेगा बोंगपोंग, यहाँ पे है पुलिस स्टेशन। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपका खुद का पेपर दिखा सकते हो, शायद इतना ज़रूरत नहीं है शायद।
मोंगपोंग था ये, और यहाँ पे फॉरेस्ट रेंज। ठीक है, एक बात कहूँगा, अगर आप कोई कैब में आ रहे हो तो कैब में ये खूबसूरती आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप कैब से ये खूबसूरती देख ही नहीं सकते हो, आपका आँख ब्लाइंड हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा, हो सके तो किसी को बाइक रेंट करो सिलीगुड़ी में आकर के, और ये खुद का बाइक से घूमो यहाँ पे, आपको मज़ा आएगा ये डुअर्स बाइक के घूमने के लिए। अब आओगे नहीं यार मुझे फोर व्हीलर में घूमना है, तो ये गलती मत करो। जब सिलीगुड़ी आओगे तो ये डुअर्स छोड़ के मत जाओ, छोटा छोटा स्ट्रीम काफ़ी मज़े का लगता है पता है। अलीपुरद्वार मतलब ये ट्रेन रूट का मैं बात कर रहा हूँ, ये अलीपुरद्वार जंक्शन तक जाकर ये ख़त्म होता है और कनेक्ट होता है न्यू अलीपुरद्वार जो असम जाने वाला रोड पे। ओके, तो यहीं से स्टार्ट होता है चाय बागान। दोस्तों काफ़ी सारा चाय बागान आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अभी सबसे पहले कौन सा चाय बागान था मैं ही भूल गया यार, अभी बताएंगे ना अभी क्रॉसिंग के बाद में। तो ये रहा पोस्टर में लिखा हुआ वो चाय बागान का नाम, थैंक यू विजिटिंग अगेन। ओके तो यार थैंक यू विजिट अगेन। यहाँ पे हर एक चेक पोस्ट है, ये बंगाल वाला चेक पोस्ट है। ठीक है, थैंक यू विजिट अगेन। तो मुझे यार हमें वेलकम कर रहा है। तो एनीवे ये रहा चाय बागान, दिस ट्री गार्डन दोनों ओर। अभी कलम हो चुका है, क्योंकि ये टाइम ही जो होता है बारिश का सीज़न होता है, अभी फसल आता है, फसल उगा दिया और ऊपर से कलम काट दिया बस, क्योंकि बारिश का सीज़न लगभग ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए ये लोग इसे एक बराबर काट दिया ताकि आने वाला फसल ये लोग ले पाए। तो काफ़ी खूबसूरत सा रहता है यह रोड, अभी देखो एक भी टूटा हुआ आपको नहीं मिलेगा, आराम से आप बाइक राइडिंग करके जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मैं घर ही ना जाऊँ, यहीं पर रह जाऊँ। देखो काफ़ी खूबसूरत ग्रीनरी है, और ये एलन बड़ी सबसे पहला टी गार्डन एलन बड़ी, और ये आता है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वेस्ट बंगाल इंडिया। ओके, नदी का नज़ारा देखो कुछ अलग ही है। ये नदी जो होता है सिर्फ वन टाइम पानी आता है इसमें, जब ये रेनिंग सीजन आता है तभी बारिश का पानी से यहाँ पे आता है, या फिर ऊपर जो बारिश होता है पहाड़ में वहाँ का बारिश यहाँ तक, बारिश का पानी यहाँ तक पहुँचता है। अदरवाइज ये ड्राई हो जाता है विंटर सीजन में और कुछ नहीं बचता है। चुके हैं क्या यार, अच्छा है बट ये जगह पहले से नहीं था शायद, अभी बहुत जगह देख रहा हूँ मैं, पूरा भर गया है दुकान वकान लेकर के। इसका आगे थोड़ा सा आगे कौन सा रेलवे स्टेशन था, लोकल वाला रेलवे स्टेशन मुझे नहीं पता कौन सा एरिया है यार। चलिए यहाँ पे चेक पोस्ट तो नहीं है बट अच्छा डेवलप किया है यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बाइक जो है ना ज़्यादा पेट्रोल चूस रहा है, क्योंकि उस दिन जब मैं पेट्रोल टैंक खाली किया था तो उसने वो नीचे घूमने वाला नोजल जो रहता उसे वो छेड़ दिया था, मतलब पेट्रोल और बंद नहीं किया ठीक से शायद, इसीलिए पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रहा है मुझे जैसा लग रहा है। एक कल में 600 रुपये का भराया था, अभी देखो आधा तो होना चाहिए ना, अभी आधा भी नहीं है। यहाँ पे यात्री प्रतीक्षालय बकराकोट, मतलब ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे बना के दिया गया है, मतलब बस स्टैंड है, पैसेंजर वेटिंग, और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आया और अच्छा है। और यहाँ पे कन्याश्री जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से जो दिया जाता है कन्याश्री वो है, और बकराकोट बहुत अच्छा एरिया, उस तरफ भी है इस तरफ भी है। और बकराकोट टी गार्डन यहाँ पे आपको शायद पोस्टर दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो क्या करो, बाद में दिखाएंगे ठीक है। और ये सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी यूनियन, मतलब ये नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट की ओर से इसे दिया गया है। मेरा बैग पूरा गंदा हो गया, मुझे चश्मा निकालना है यहाँ पर ठीक है, तो मैं चश्मा निकाल रहा हूँ, उनके बाद मैं बाकी ब्लॉक करूँगा। यहाँ से ट्रेन आते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है ना यहाँ से देखने के लिए। ओह को पायलट लेडी है यहाँ का, ये लोकल ट्रेन है, एनजीपी तक जाएगा और वहाँ से वापस और शाम को वापस आ जाएगा। देखो ट्रेन में कितना खचा खच आदमी भरा हुआ है, एक ब्रिज हिल भी नहीं रहा है। ये रहा इंटरसिटी एक्सप्रेस, टाटा टाटा, हम जाएंगे अभी ईशोर। और भी भयंकर प्लेस है यार, भयंकर प्लेस, अगर आगे जा सकते थे ना तो और भी बड़ा मज़ा आता। विजिट कर रहे हो ना तो ये प्लेस ज़रूर विजिट करो आप, ये आपका उदलाबड़ी से पहले मिलता है और काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आता है यहाँ से, आप अंदर तक जा सकते थे, मैं जा सकता हूँ या फिर जा सकता था बट मेरा बाइक आगे ही खड़ा है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, बस यही तक मैं आपको कहूँगा। बट ये नदी मतलब धूप है फिर भी थोड़ा थोड़ा हवा आ रहा है,
और यही काफ़ी खूबसूरत बना रहा है। और आगे आप पहाड़ देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है यार यहाँ से माहौल, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे इनका इतना भयंकर माहौल है। मस्त का प्लेस है यार, एक पीक तो बनता है ना यहाँ से। अरे क्या यार, रास्ता के बीच में खड़ा कर देता है, ये हालत है यहाँ का, देखा ठोक देता है भाई से पीछे से। अभी ये देखो, ये हम आ गए हैं उदलाबड़ी है, और उदलाबड़ी में शायद ट्रैफिक का सिग्नल लगा हुआ है, चलो ग्रीन हो गया, अच्छा रहा। तो यहाँ से आप यहाँ से अगर लेते हो ना ये वाला रोड पे, तो आप यहाँ से गुरुबथान वगैरह जा सकते हो आप इजीली। आप बिंदु तो नहीं कहूँगा आपको, अरे प्लेस है मैं जहाँ का नाम भूल गया, लाभा जा सकते हैं यहाँ से आप, लाभा है जी हो करके यहाँ पे, बट मैं दूसरे दिन लाभा विजिट करूँगा, आज नहीं। ठीक, हम अभी पहुँच चुके हैं मल बाज़ार, जो डुआर्स का एक जाना माना बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये मल बाज़ार को चारों ओर से घेर रखा है चाय बागान ने। माय गॉड, व्हाट इज दिस, वो व्हाट इज दिस, रियली ग्रेट यार। ठीक है, तो हम इजीली मल बाज़ार जा सकते हैं, कोई अगर अकेला होता था मैं इसे उठा के ले जाता तो है, मैं नहीं ले जाने पाऊँगा। कहाँ जाना है भाई, मल बाज़ार तक जाओ क्या? मल बाज़ार जा रहे हो क्या? मल बाज़ार जा रहे हो क्या? बैठो, आजा आजा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, बैठ गया। हाँ जी हाँ, कर रहे हैं। कहाँ से हो? इधर से, मल बाज़ार से। नुकसान से हो वही ना, वो बच्चे जो आ रहा था ना, वो बच्चा बार बार वो पीछे मुड़ के देख रहा है। मुन्नी पीछे मत देखो, पापा को जोर से पकड़ो, उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल। अब्दुल, ओके, थैंक यू। सो भाई, वो अकेला पैदल चल के आ रहा था, तो मैंने बोला उसको जाओगे क्या, तो मैं उसे उठा कर लाया यहाँ पे, ड्रॉप कर दिया, बस आ ही रहा था, तो इतना दूर पैदल चल के क्यों आएगा, है ना। चलते, ये रहा मल बाज़ार, ये जहाँ पे मैं वो लड़का को छोड़ा था वो था मल बाज़ार का बस स्टैंड। भूख भी लग रहा है यार यहाँ पे, कहाँ पे खाएंगे, नहीं खाएंगे, सीधे चले जाते हैं, बाद में जा करके आगे आता है एक नगर कटा में जाकर खा लेंगे। ठीक है, चुके हैं अभी चलता में, अभी अगर इस तरफ में रोड में जा रहे हो ना, तो आपको पहुंचा देगा, क्या पहुंचाएगा आपको बता बारी, गुरु महाराज इस तरफ है, और सीधा जाऊंगा तो मुझे माना कटा ले जाएगा। चलसा एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप जहाँ पर चलसा में आप आकर विजिट कर सकते हो मेरे ख्याल से, तो चलसा विजिट करो, मैं उसकी विजिट करो। तो भाई साहब बोल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी मेले लगा भाई क्या, तो भाई साहब आप यहीं के है ना? ठीक है, तो यहीं से है, तो देखो करम पूजा शायद यहाँ पे बोल रहा है, पूरा पानी में पूरा नहा रहा है, शायद यहाँ का कोई फेस्टिवल होगा करम पूजा। देखो आप यहाँ से देख सकते हो,